हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकीज पकवान एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है बहुत ख़ास, मेरे पापा के रिटायरमेंट वाला दिन का ब्लॉग है। 30th को हुआ था, एक्चुअली सितंबर 30th को मैंने ब्लॉग बना लिया था लेकिन अपलोड नहीं किया था। और ये दिन उनके लिए भी खास है, हमारे लिए भी, क्योंकि हमने बचपन से ही सोचा था कि हम क्या क्या करेंगे। और मैं इतनी दूर भी आई थी बस खास इसी के लिए। पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था बीच में, तो बेड रेस्ट पे थे। फिर जैसे मन से उनको जाना था, लास्ट ट्रेन जो होता है राइड, तो गए। बीच में गए थे फिर से, लेकिन फिर से कुछ तबीयत ख़राब हुआ। पापा बोले जैसे मन से मुझे तो करना ही है, तो गए। ये देखिए पुरी का स्टेशन है, पुरी से ही आते हैं तो पुरी का स्टेशन है। वहाँ पे सभी जो भी था उनका वो कर रहे हैं। और ये वो ट्रेन के गार्ड हैं और वो असिस्टेंट भी हैं पापा के साथ। जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लेना। और फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए क्योंकि बहुत ख़ास है और मुझे भी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, फिर भी कोई बात नहीं, प्लीज़ आप लोग देखना, बहुत आप लोग एंजॉय करेंगे। देखिए ट्रेन को कितना सुंदर से सजाया गया था। जब भी कोई, मतलब मेरे पापा एक्चुअली लोको पायलट हैं रेलवे में, तो जब भी कोई लोको पायलट का रिटायरमेंट होता है तो ऐसे ही ट्रेन को सजाया जाता है। बहुत सुंदर, और बैनर भी लगाया गया था। हम लोग पूरी तो नहीं गए थे लेकिन हम लोग खुर्दा रोड स्टेशन में ही पापा के वेलकम करने के लिए गए थे। और भी सारा आयोजन किया गया था, तो पापा पहले दिन से ही चले गए थे। सुमित को भी लेके जाने वाले थे लेकिन उसका तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था तो वो नहीं गया, जाने से भी बहुत ज़्यादा परेशान करता। देखिए आजकल बहुत कुछ सुविधा हो चुका है इंजन में, पहले बहुत प्रकार, मतलब स्टीम इंजन, फिर कोल वाला, बहुत सारा चेंजेस आ रहा है धीरे धीरे। सारे प्रकार का पापा ने राइड किया है। जैसे ही, मतलब टेक्नोलॉजी सब चेंज होता रहता है, इम्प्रूवमेंट होता है, तो ट्रेन में भी इम्प्रूवमेंट होता है। हवा से बहुत सारा फूल तो वैसे ही उड़ गया था, फिर भी थोड़ा बहुत था। और ये देखिए, ये हम लोग स्टेशन पहुंचे थे खुर्दा रोड स्टेशन, जो कि मेरा होम टाउन है। और यहाँ पे पापा के सारे स्टाफ, फ्रेंड्स और मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव्स सभी लोग पहुंचे थे। ट्रेन आने वाली थी तो
मेरे मामी, मेरी बहन और मामी के बच्चे, मेरे छोटे नाना भी आए थे। मेरे नाना जी तो नहीं है अभी, और छोटे नाना आए थे। देखिए ये सारा सेटिंग किया गया था। ये जॉब एक्चुअली सारे जॉब तो बहुत ही मतलब ज़रूरी है, सभी को काम तो करना है, लेकिन सबके लिए अपना अपना जॉब बहुत ही खास होता है। देखिए पापा के दोस्त, पापा के स्टाफ जो भी हैं वो गए थे पापा के लिए। सुबह पूरी गए थे तो रिसीव करने के लिए, वहाँ से लेकर आए। एक मामा थे वो भी गए थे पापा के साथ, मेरे मम्मी के मामा थे। अभी मेरा बेटा चढ़ेगा, देखिए वो पापा का ट्रेन, मतलब अजय ट्रेन, अजय ट्रेन मतलब अजय मतलब नाना, तो टी फॉर अजय ट्रेन ही बोलता है हमेशा। ट्रेन में चढ़ना बहुत शौक था, तो जा नहीं पाया, पापा का तबियत खराब हो गया था। तो देखिए ये मीठी मीठी भी चढ़ गई, सुमित तो बहुत खुश था, मीठी कुछ समझ नहीं पा, देखिए क्या हो रहा है। पापा के फ्रेंड्स आ रहे हैं, लेकिन चल रहे थे उनको हाथ बनाने के लिए, बहुत एंजॉय किया ना हमने। तो आप लोग भी प्लीज़ एंजॉय करिए, स्कूल बात की थी प्लीज़। और ये मेरे पापा के सारे दोस्त, मेरे फैमिली रिलेटिव सभी, मामा के बच्चे सब भी गए थे। पापा को भी कितना सारा ये सभी दे रहे थे, गिफ्ट भी मिला था। ये मम्मी पापा सभी हम आ रहे थे। ये सारा वीडियो रिकॉर्डिंग तो हुआ है, एक सीडी भी बनाया गया है, बुके प्रदान करें। और ये पापा वहाँ पे सभी दे रहे थे। गुजर गया है, आगे भी उम्मीद करते हैं कि उनका जो आगे का जिंदगी है वो आराम से ऐसे ही गुजरा। और भाभी जी को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक जो उनका ख्याल रख के पूरा नौकरी को आराम से काट दिए हैं, और आगे भी उनका ख्याल रखेंगे। और जगदीश भाई के बारे में क्या बोलेंगे, वो तो हमारे इस यूनिट का, जिनका कि मुंह से कभी ना नहीं निकलता था, हमेशा कोई भी कॉल दिया जाए रेडी, कब राइट मारेंगे राइट, कभी वो ना कभी नहीं बोले। जब तक मैं देखा हूँ उनको 3 साल का सीसी का पीरियड में, कभी उनके बारे में कुछ रिमार्क भी कोई किया नहीं अभी तक। आगे भी उम्मीद करते हैं कि उनका आगे का जिंदगी अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं वक्तव्य शेष करता हूँ। जो 21 जन आम गोटे थर अपॉइंटमेंट होलु 31, 32, 32 वर्ष तले, ये पापा के एक दोस्त हैं, वो तो बता रहे थे कि जब अपॉइंटमेंट लिए थे जॉब का उन्हें मिला था, तो 21 लोग एक साथ उनको मिला था, तो तभी से उनका बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई। तो पापा के बारे में वो बता रहे हैं क्या क्या खास बात है। वही अनुकूल तक एलर नथिला साल करता हूँ, साल प्रदान करेगा। अभी रिटायर्ड एक्सचीफ मोदी मास्टर से अनुरोध करता हूँ। साउथ ईस्टर्न था, ईस्ट कोस्ट हुआ, बहुत कुछ चेंज हो गया। अब मैं लास्ट तक पहुंचा हूं, आप सबका सहायता से, आप लोग बहुत बहुत साथ दिया है मेरा यहाँ तक आने के लिए। जो भी हो मैं बहुत खुश हूं, मेरा अपनी जॉब से 100% सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैं जो भी कुछ मेरा दिया गया था, मेरे को दायित्व, वो सब पूरा किया है। और आज मैं बहुत खुश हूं, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ।
और ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग का प्रसाद का सुविधा किया गया था, मतलब फीस्ट हुआ था वहाँ पे भोजी लोगों के लिए। ये मंदिर का एरिया है, एक मंदिर है खोराकिया वैद्यनाथ, बहुत ही फेमस है। और हम लोग के घर में जो भी कुछ होता है, मतलब मानसिक पूरा होता है, तो ये देखिए वो भगवान है, खोराकिया वैद्यनाथ शिव मंदिर है। और हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, जितना सारा फेस्टिवल होता है, मतलब कुछ भी अगर हमारा मन्नत पूरा होता है तो हम वहीं पे ही करते हैं भोज। और ये मेरी छोटी नानी है, मेरी मम्मी की चाची जी। भूसा है ये मेरा बेटा वहाँ पे, बस भूसा है उसका। इतना गर्मी लग रहा था फिर भी वो उसका ड्रेस, मतलब कोट निकाल दो, नहीं पहन के घूम रहा था। आओ आओ इधर आओ, ये मेरे बहन के हस्बैंड हैं, वो मेरे मामी जी आ रहे हैं। और ये मिट्टी, बहुत लोग आए थे, गुड्डी मिट्टी और खेल रहे थे। और मेरी बहन की जेठानी है मेरी नानी जी, हालत ख़राब हो गया था उस दिन, बहुत धूप हो रहा था, हमने बहुत एंजॉय किया। और ये देखिए दोनों का मेकअप मेकअप उतर गया था तो मेकअप करते, यहाँ बैठा है, इसको चॉकलेट चाहिए। ये मंदिर ना एक्चुअली टाउन से थोड़ा दूर है, वहीं पास में। ये देखिए हम तीनों बहन पापा के साथ, ये भी एक नानी है, ये नानी के बेटे हैं, मामा जी लगेंगे। और ये मेरी बहन, ये सारे लोग खा रहे थे प्रसाद। मेरे बेटे को आइसक्रीम चाहिए था, वैसे वहाँ पे ना खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं जो भी खाए। इधर आ, इधर आ, इधर वो मैं बैठ गई खाने के लिए। देखिए मानी आइसक्रीम दबा पहले खा, उसकी बहन पूजा और मेरी बहन की जेठानी सुमित मिट्टी। पप्पू क्या खाएगा? मैं खाऊंगा। खाने में बनाया था हमारे यहाँ का जो भी राइस और डालमा बनाते हैं, फिर छोला पनीर और परवल की, परवल का जो कुरमा होता है वो, और फ्रूट खट्टा, और बैंगन का भी एक बनाए थे, तिल का बैंगन, वो ना वो वाला मैंने पिक नहीं लिया था। और खीर भी बनाए थे, बहुत यम्मी बना था। देखिए मिट्टी हम लोग खा चुके थे, सारे लोग भी ज़्यादातर जाते थे, तो हम यहाँ पे बैठे थे क्योंकि मंदिर का कुछ काम बाकी था। और ये मेरी बहन बैठी है, और ये सारे लोग, कुछ कुछ लोग थे, कोई कोई जा रहे थे। हम तो बैग से, मेरी बहन तो घूंघट में क्योंकि उसके ससुराल से सभी आए थे, उसके जेठ जी, उसके ससुर जी। और ये मेरे छोटी नानी यहाँ बैठे हैं, मेरे मामी, मेरे मम्मी, मेरे मामा जी सभी बैठे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ठंडा हवा भी आ रहा था। और ये देखिए जो भी बच गया था वो गाँव में सबको बांट दिया गया, बहुत सारा बच गया। और कितना सारा पैकिंग भी करके रखे हैं, एक पैकिंग करके सबको दे रहे थे। देखिए मेरा छोटा भाई और मेरे मामा जी काम में लगे हुए हैं। और ये पापा को कुछ गिफ्ट मिला था, ये ना खड़गपुर का जो रनिंग रूम है वहाँ का, तो वहाँ से मिला था। ये एक कॉफी मग है, पापा का फोटो भी लगा हुआ है, और ये कुछ फोटोज मैंने वहाँ पे। और एक ट्रॉली बैग भी मिला है, आयरन मिला है, और एक सील भी मिला है। और देखिए मेरा बेटा मेरे पापा के साथ, और कुछ कुछ पिक्स मैंने लिया था, तो वो सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो कैसे लगा आज का ब्लॉग? मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में भी बताना कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से फिर से मिलूँगी और एक नए ब्लॉग के साथ, धमाकेदार ब्लॉग के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और एन्जॉय कीजिए दशहरा।
नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि टू यू। देखिए सारा मेरा फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।